जी बिजनेस की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूँ शिल्पा। दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अब पूरी तरह से सिक्योर हो गया है, क्योंकि कंपनी ने इस ऐप के मैसेजेस को एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सिक्योर करने का ऐलान किया। लेकिन भारत में सिक्योरिटी अब सरकार के लिए सिरदर्द भी बन सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप की सर्विस इंक्रिप्टेड होने से सुरक्षा एजेंसियों को इसे हासिल करना मुश्किल होगा। देखिए रिपोर्ट। व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन फीचर ऐड करने के बाद विवाद शुरू हो गया है। इस इंक्रिप्शन के जरिए सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही मैसेज पढ़ सकते हैं और इसे कोई टेलीकॉम कंपनी या सरकार ट्रेस नहीं कर सकती। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम और ब्लैकबेरी भी ऐसे ही एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करती है। एंड टू फिनिश एनक्रिप्शन लागू होने के बाद अब व्हाट्सएप के मैसेज न तो कंपनी पढ़ पाएगी न ही सरकार। अगर सरकार कंपनी से किसी की व्हाट्सएप कन्वर्सेशन की मांग करती है तो उसे नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप के सीईओ और को फाउंडर जेन कॉन ने एंड टू एंड एनक्रिप्शन शुरू करते हुए कहा, हम पिछले 2 साल से व्हाट्सएप के कन्वर्सेशंस को ज्यादा सिक्योर बनाने पर काम कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम कन्वर्सेशंस को सिक्योर करने में सफल रहे हैं। अब साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स भी यूजर्स के व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ सकते। एंड टू फिनिश एनक्रिप्शन के जरिए एनक्रिप्ट किए गए मैसेज 256 बिट स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसे हैकर्स ब्रूट फोर्स मेथड से भी क्रैक नहीं कर सकते। हालांकि कई बार सिक्योरिटी में लूप होल निकल आते हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स इन्हें क्रैक कर लेते हैं। हालांकि दूरसंचार विभाग ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा एजेंसियां अगर कोई जानकारी मांगेंगी तो कंपनियों को उन्हें देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें भी शामिल होगा कि इन सेवाओं को बंद कर दिया जाए। सरकार के पास फिलहाल कोई इंक्रिप्शन पॉलिसी नहीं है। 2015 में इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन उसमें कहा गया था कि उपभोक्ता को 90 दिन का डाटा रखना पड़ेगा, जिसका काफी विरोध हुआ था और इसके चलते सरकार ने उसको वापस ले लिया था। उसके बाद से इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो चलिए, फिलहाल इंक्रिप्शन को लेकर हमारे देश में कोई नियम नहीं है, लेकिन अब प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच में ये बहस छिड़ गई है। हमारे साथ खास मेहमान है इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ पवन दुग्गल है, साइबर लॉ एक्सपर्ट, और मनोज गैरोला, सीनियर टेलीकॉम जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन हम दर्शकों को अब ये बताते हैं कि DoT विभाग जो है उसका इस पूरे मामले पर क्या नजरिया है। दूरसंचार विभाग का कहना है कि भले ही भारत में इंक्रिप्शन को लेकर नियमों में स्पष्टता ना हो, लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसीज को इसकी जरूरत होगी तो इन कंपनीज को ये मैसेज शेयर करने होंगे। सरकार ने व्हाट्सएप इंक्रिप्शन मामले में कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। दूरसंचार विभाग के सूत्रों की माने तो अगर सुरक्षा एजेंसियां मांग करती हैं, तो उन्हें व्हाट्सएप को बंद करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक उनके सामने ऐसी कोई मांग नहीं आई है। सरकार सितंबर 2015 में इंक्रिप्शन ड्राफ्ट पॉलिसी लाई थी, जिसके मुताबिक उपभोक्ता को 90 दिन तक सभी मैसेज रखने थे, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ था, जिसके चलते ये लागू नहीं हो पाई। अभी तक सरकार ने इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है। कुल मिलाकर इस पर कोई पॉलिसी भी नहीं है। अंतिम पॉलिसी 2007 की है, जिसमें लिखा गया है कि अगर 40 बिट से ज्यादा कोई कंपनी इंक्रिप्शन करती है तो उसे इसकी जानकारी सरकार को मुहैया करानी होगी। लेकिन अभी भी कई कंपनियां 256 बिट इंक्रिप्शन दे रही हैं और सरकार ने किसी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा नहीं है कि भारत में ये मुद्दा पहली बार उठा है। इससे पहले ब्लैकबेरी को लेकर कई देशों में बैन लगाने की धमकी दी गई थी। हाल ही में अमेरिका में एप्पल ने यूजर्स की प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए एक कथित आतंकी के आईफोन के डेटा को अमेरिकी सरकार को देने से मना कर दिया था। अब देखना होगा कि भारत में व्हाट्सएप के इंक्रिप्टेड कोड को कैसे डीकोड किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनोज गैरोला, सीनियर टेलीकॉम जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि भारत जैसे देश में जहां सिक्योरिटी का जो इशू है हमेशा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट के लिए एक सिरदर्द जरूर बना रहता है, और व्हाट्सएप की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसे में ये जो इंक्रिप्टेड मैसेजेस नया फीचर इसमें हो गया है, इसको आप कितना बड़ा कंसर्न मान रहे हैं? ये जो इशू है ये कोई नया नहीं है। जैसे आपने पहले भी कहा कि आज से 10 साल पहले रिम जो कंपनी है जो कि ब्लैकबेरी फ़ोन देती है, उसमें बिल्कुल यही इशू उठा था
कि जो कि हम जो मैसेज एक ब्लैकबेरी से दूसरे फ़ोन में भेजते थे वो इतने इनक्रिप्टेड होते थे कि कंपनी जैसे आज क्लेम व्हाट्सएप क्लेम कर रही है, ब्लैकबेरी उस समय क्लेम करती थी कि अगर कंपनी भी चाहे तो उसको डिकोड नहीं कर सकती। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये एक कंसर्न तो था ही, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इसको बहुत बड़ा कंसर्न माना, और लेकिन उन्होंने एक्शन क्या लिया ब्लैकबेरी के अगेंस्ट, उन्होंने नोटिस निकाले, फिर अमेरिकन लॉबीज़ ने काम किया, अमेरिकन कंपनीज़ ने काम किया, और आज की डेट तक पिछले 10 साल में कुछ नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि उनका सर्वर इंडिया में लग जाएगा, लेकिन सर्वर लगाने से सिर्फ इतना ही हो पाया कि मैसेज कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, लेकिन मैसेज में क्या लिखा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज की डेट में भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बाकी देशों के लिए भी है। लेकिन साथ में फैक्ट ये भी है कि जब पिछले 10 साल में हमने किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया तो मेरे को लगता नहीं कि व्हाट्सएप के अगेंस्ट भी कोई एक्शन होगा। जी बने रहिए हमारे साथ, और हम पवन दुग्गल का रुख करते हैं। पवन जी ये बताइए कि पहले भी ये फीचर था, अगर इसके कई उदाहरण ना दिए गए हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए उनकी तरफ से, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब चूंकि मैसेजेस इनक्रिप्टेड कर ही दिए गए हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा और इस्तेमाल होगा? बाकायदा व्हाट्सएप ने एक ऐतिहासिक कदम उठा करके जो गेम के रूल्स हैं उसको बदल डाला है। अब व्हाट्सएप के आज के संदर्भ में लगभग 1 बिलियन यूजर्स हैं। अब 1 बिलियन यूजर्स का एंड टू एंड इंक्रिप्शन उन्होंने संभव कर दिखाया है। उसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप जो भी संदेश भेजेंगे व्हाट्सएप पर, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज या टेक्स्ट हो, वो ट्रांसमिशन के दरमियान कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन रेसिपियंट है केवल वही पढ़ पाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों की जो निजता की सुरक्षा के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही साथ डेटा सुरक्षा के लिए भी इसका एक अभिन्न योगदान है। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं कॉशन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि हालांकि आपका ट्रांसमिशन तो आपकी सुरक्षित है, लेकिन जो व्हाट्सएप है उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई हेरबदल नहीं किया हुआ है। व्हाट्सएप बोलती है कि हालांकि उसके पास क्षमता नहीं है कि वो इस तरह के मैसेजेस के जो कंटेंट है उसको बता सके सरकार को या पुलिस को, लेकिन वो जानकारी अपने पास रखेगी जो रेसिपिएंट हैं जिनको आप संदेश भेज रहे हैं, किस तारीख या किस समय भेजा है वो जानकारी रखेंगी, और जब जब उनको लीगल प्रकरण से, कानूनी मसलों के माध्यम से और अदालतों के ऑर्डर से उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा, उस तरह की जानकारी शेयर भी करेंगे। और ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि व्हाट्सएप कहता है कि आप जो कुछ भी जानकारी व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि उस पर आपकी कोई निजता का अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मृग तृष्णा सा है, आपको बता रहे हैं कि हम आपका इंक्रिप्शन कर रहे हैं, आपके आपके मैसेज आपके डिवाइस से लेकर रेसिपिएंट के डिवाइस तक तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो आप भेजेंगे वो पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी, कोई निजता का अधिकार होगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक आयरनी सी लगती है, इसमें एक पैराडॉक्स नजर आता है। तो चलिए, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर सवाल प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच में उठ रहा है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां और जो सरकार है, अगर कभी उसे कोई डेटा चाहिए हो तो क्या व्हाट्सएप उसे आसानी से मुहैया करवा सकता है या उसको नकार भी सकता है? बहरहाल ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट, एप्पल, ब्लैकबेरी, मैसेजिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, गेटवे चलाने वाली कंपनीज किसी ना किसी तरह के इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन कंपनीज के भारत में कोई सर्वर नहीं है। रिपोर्ट देखिए। एनक्रिप्शन का मुद्दा क्यों है बड़ा? एनक्रिप्शन का मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट, एप्पल, ब्लैकबेरी मैसेजिंग, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपचैट और ऑनलाइन बैंकिंग गेटवे चलाने वाली कंपनियां किसी ना किसी तरह के एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं। इनमें से ज्यादातर के सर्वर भारत में नहीं है और कई कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड तक नहीं है, लेकिन इनका बड़ा यूजर बेस भारत में है, जो ड्राफ्ट पॉलिसी के मंजूर हो जाने पर नए नियमों के दायरे में आ सकते हैं। 9 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जबकि दुनिया में इसके 90 करोड़ यूजर्स हैं। भारत में कुल 97 करोड़ 30 लाख मोबाइल यूजर्स हैं। इनमें 32 करोड़ 73 लाख इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 34% लोग मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 90% एंड्रॉइड फोन यूजर्स व्हाट्सएप पर हैं। ऐसे में व्हाट्सएप की पहुंच सबसे ज्यादा है।
मतलब साफ है कि अगर व्हाट्सएप को बैन भी किया जाता है तो इससे काफी विवाद पैदा हो सकता है। चीन, पाकिस्तान और रूस में इस तरह के कानून का सख्ती से पालन होता है। वैसे दुनिया के कुल 75 देशों में अलग अलग शर्तों के साथ ये कानून लागू है। भारत में जो कानून लाया जा रहा है वो चौथी कैटेगरी का है। इस कैटेगरी का कानून इसराइल और सऊदी अरब में ही लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस सर्विस के कितने यूजर्स हैं। जी हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप जो मैसेंजर एप्लीकेशन है, इसके साथ और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उन्हें कितना ज्यादा यूज किया जाता है, किस सर्विस पर कितने मैसेजेस। व्हाट्सएप पर 1 बिलियन यूजर्स हैं। और व्हाट्सएप के बाद आपको बता दें फेसबुक मैसेंजर जो है 800 मिलियन, जी हाँ 800 मिलियन मैसेजेस हैं फेसबुक मैसेंजर पर। और वी चैट, ये भी एक जाना माना ऐप है जिसे यूज किया जाता है, 650 मिलियन मैसेजेस हैं। और इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन मैसेजेस हैं। तो किस सर्विस पर कितने मैसेजेस हैं ये आपको बता रहे हैं। ट्विटर 320 मिलियन मैसेजेस हैं और टेलीग्राम पर 100 मिलियन मैसेजेस हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। पवन जी, ये बताइए कि इंक्रिप्शन का मुद्दा इसलिए भी यहाँ बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे देश में अभी तक इंक्रिप्शन को लेकर कोई कानून में स्पष्टता नहीं दी गई है, तो किस तरीके से इसे समझा जाएगा? देखिए, भारत अभी तक एक निद्रा वाली स्टेज पर है। हमने आज तक इंक्रिप्शन को लेकर कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया। 1999 में जब नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई, तब कहा गया कि साहब 40 बिट इंक्रिप्शन तक आप भारतवर्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते। अब वो कुछ ऐसी सीमा सी बन गई कि उसका संशोधन आज तक नहीं हो पाया है। और अभी तो आईटी एक्ट जब 2000 में बना था, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, तब भी वो 2000 में इंक्रिप्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन जब 2008 में मुंबई आक्रमण के बाद हमने इसका संशोधन किया, तो केंद्रीय सरकार को विशिष्ट प्रकार की पावर्स दे दी कि वो स्पेसिफाई कर सके कि किस किस लेवल्स की इंक्रिप्शंस भारतवर्ष में विद्यमान होंगे। वो बात थी सन 2008 की। 2015 तक, अगले 7 सालों तक सरकार ने कुछ नहीं किया। 2015 में जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई वो इतनी विशिष्ट थी, जो कहती थी कि हर व्यक्ति जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है वो अपने जितने भी मैसेज रिसीव करेगा या भेजेगा वो उन सबको 90 दिन के लिए सेव करना पड़ेगा, जो एक असंभव सी बात थी। लिहाजा उसका विरोध हुआ, अब फिलहाल वापसी ले लिया गया है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि आज की तारीख में भी जहां एक और 40 बिट कानून तो बोलता है, लेकिन ओपनली जितने भारत के बैंक्स हैं वो 256 बिट इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो इस कानून का लगातार उल्लंघन तो हो रहा है। आवश्यकता है जो कानून निर्माता हैं वो अपनी आंखों को खोलें, जो हकीकत है उसको रियलाइज करें। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि अगर भारत को इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप से, तो वो कैसे मिलेगी? व्हाट्सएप का आज का कहना है कि साहब ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन करने के बाद हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। मनोज जी, जी आपका रुख करना चाहूंगी। ये बताइए कि जो पॉलिसी बनी थी आखिरी इंक्रिप्शन पर 2007 की है, अभी 40 बिट की जहां बात की जाती है, तो वहां पर अभी फिलहाल ऐसी कई कंपनीज हैं जो 256 बिट इंक्रिप्शन की सर्विस भी दे रही हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो जरूर उठता है कि फिर इस तरीके के इंक्रिप्शन की जरूरत क्यों? ये जो इंक्रिप्शन है, इसका तो सीधा सा मतलब है, जैसे कि ब्लैकबेरी ने जैसे कि पहले ब्लैकबेरी ने और अब व्हाट्सएप ने कहा है कि भाई ये जो कि भाई हमारे जो कोड है आप जिसको भेज रहे हैं उसके अलावा किसी और के पास इसका एक्सेस नहीं होगा। इंक्रिप्शन का बेसिक मतलब यही है, और यही कारण है कि जो टेररिस्ट और बाकी एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कि हमारे यहाँ अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, अगर कानून भी बन जाए तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में नहीं होता है। ब्लैकबेरी के केस में ये एक जीता जागता एग्जांपल है। ब्लैकबेरी के केस में हम कई सालों तक बस कंपनी को हमने नोटिस भेजा, अमेरिकन लॉबीज काम करने लगती हैं, सिविल सोसाइटीज़ उनके फेवर में वो हैं, अपना प्राइवेसी का इशू लेकर उनके सामने आती हैं, तो ये सारा का सारा मामला फिर वैसा का वैसा ही रहता है। जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि
अब जहां इंक्रिप्शन की बात आ जाती है, तो अगर सरकार या सुरक्षा एजेंसियां इन फ्यूचर अगर व्हाट्सएप से डिमांड करती हैं कि कोई स्पेसिफाइड कॉन्वर्जेशन अगर उनको चाहिए दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो क्या इसके लिए व्हाट्सएप अभी तो फिलहाल मना कर दिया, लेकिन इसके लिए इस इंक्रिप्शन के पूरी बहस में कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए कि अगर ऐसी डिमांड की जाती है सरकार या इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, तो आसानी से वो कॉन्वर्जेशन दी जाए? नहीं, ऐसी ये तो खैर होना ही चाहिए, और आज की डेट में भी ऐसा है कि अगर भारत किसी का कोई भी कन्वर्सेशन टेप करना चाहे, हमारा देश, तो ये कंपनी को देना ही पड़ता है। लेकिन बात यह है कि अगर वो ना इम्प्लीमेंट करे तो हम उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन हमारी तरफ से वो है नहीं होता है। समस्या बेसिकली इस बात की है। जी, बने रहिए हमारे साथ। और भरत नागपाल टेक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत जी, आपसे जानना चाहेंगे, इसे आप एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तौर पर देख रहे हैं या वाकई आप मानते हैं कि व्हाट्सएप का एक कदम सुरक्षा को बड़ा खतरा है? मेरे हिसाब से ये खतरा तो नहीं है शिल्पा। प्राइवेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर आदमी को प्राइवेसी मिलनी चाहिए, और मैसेजिंग और कम्युनिकेशन में जैसे ब्लैकबेरी की बात हो रही थी अभी, ब्लैकबेरी ने भी ये बहुत देर तक मेंटेन करा, और इसलिए वो बहुत पॉपुलर सर्विस रही बिकॉज लोग चाहते हैं कि उनका जो डेटा है वो प्राइवेट रहे। इस केस में व्हाट्सएप ने क्या किया है कि सारा कुछ डेटा तो नहीं बट मोस्टली फोटोग्राफ्स, वीडियो और आपके टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं ये सारे प्राइवेट रहेंगे, इंक्रिप्टेड रहेंगे ऑन अ पर्सनल कोड। सबका अलग अलग कोड बनाया जाएगा हर चैट का, और उस पर ये इंक्रिप्टेड रहेंगे। बट कुछ डेटा जो है वो व्हाट्सएप स्टोर करेगा अभी भी, जैसे टाइम स्टैम्प और डेट वगैरह। तो इस सिनेरियो में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है लेटर ऑन जिसमें ये डेटा ज़रूरी है डिक्रिप्ट करना, तो व्हाट्सएप के पास वो कैपेबिलिटी है और वो गवर्नमेंट की मदद कर सकती है। जी, और आपसे जानना चाहूंगी पवन जी कि आपको क्या लगता है कि अगर सरकार और सुरक्षा एजेंसीज के एंगल से हम बात करें, तो अगर व्हाट्सएप की तरफ से ये कहा जाता है कि जब भी सरकार या सुरक्षा एजेंसीज को ऐसे मैसेजेस डिकोड करने होंगे तो आसानी से हो जाएंगे, तब शायद इस फीचर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? लाजमी सी बात है, यही कारण वर्ष है कि व्हाट्सएप कह रहा है कि हमने इस तरीके से एंड टू एंड इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट किया है कि हम स्वयं भी पढ़ना चाहें कि क्या ट्रांसमिट हो रहा है, तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे। मैक्सिमम अगर हम आपको कुछ दे पाएंगे तो रेसिपिएंट के डिटेल्स, उसके ड्यूटर टाइम दे पाएंगे और जितनी जानकारी होगी। लेकिन ध्यान से देखिए, अल्टीमेटली जब आप किसी को संदेश भेजते हैं और वो उसके सिस्टम पे, उसके डिवाइस पे जाके खुलेगा, तो वो जो संदेश खुलेगा वो भी तो अल्टीमेटली व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर ही खुलेगा। तो लिहाजा व्हाट्सएप के पास ये क्षमता तो विद्यमान रहेगी कि वो उस जानकारी को सरकार को देना चाहे तो दे सकती है। हालांकि व्हाट्सएप कह रहा है कि साहब मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम अपना रुख डालें भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून को लेकर, तो व्हाट्सएप भारत के आईटी एक्ट के अंतर्गत एक बिचौला है, एक इंटरमीडियरी है। कानून कहता है धारा 79 में कि वो इस तरह की जब आप ड्यूटियां करता है तब वो ड्यू डिलिजेंस और सावधानी बरतेगा। और आईटी एक्ट तो यहां तक कहता है कि सरकार अगर आपको दिशा निर्देश देगी कि आप फला हमको जानकारी दीजिए या ये सहायता दीजिए किसी के इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने के लिए, तो आप वचनबद्ध होंगे, ड्यूटीबद्ध होंगे कि आप ऐसी कि आपको वो इन्फॉर्मेशन सरकार को देनी है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। भरत जी, जुर्म होगा। जी भरत, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी भी ऐसी कई कंपनीज हैं हमारे देश में जो 256 बिट इंक्रिप्शन की सर्विस देती हैं, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि इस 256 बिट इंक्रिप्शन में क्या इसको आसान है, बहुत आसानी से इसे डिकोड किया जा सकता है? क्योंकि अगर आसानी से इसे डिकोड किया जा सकता है तो फिर इस इंक्रिप्शन, नए इंक्रिप्शन सर्विस के ऊपर इतना विवाद क्यों है? इतना आसान भी नहीं है इसको डिकोड करना, बिकॉज जो एल्गोरिदम है ये इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि सिर्फ जिसने इनक्रिप्ट करी है, जैसे अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ तो अगर मेरी तरफ से ये इनक्रिप्ट हुआ है तो सिर्फ रिसिपिएंट ही इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। करने के लिए एल्गोरिदम अगर रिलीज़ करी जाए तो ऑब्वियसली कोई भी इसे डिक्रिप्ट कर पाएगा। बट जो 256 बिट इंक्रिप्शन है, इनक्रिप्ट करना बहुत आसान होता है बट डिक्रिप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, इसलिए ये आज तक सबसे पॉपुलर इंक्रिप्शन मेथड रहा है। जी, और मनोज जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि इंक्रिप्शन सर्विस जो नया फीचर लाया गया व्हाट्सएप की तरफ से, वाकई आपको लगता है कि इसके बाद भी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी हमारी सुरक्षा एजेंसीज और गवर्नमेंट के लिए? जी हाँ, ये तो देखिए व्हाट्सएप ने खुद ही कहा है
कि हम जो इनक्रिप्ट करेंगे और हमारे जो मैसेज हैं अगर हम चाहें तो उसको भी हम डिकोड नहीं कर सकते हैं जी। तो ये तो बिल्कुल ही, और ये पहली बारी नहीं हुआ ब्लैकबेरी के साथ, जैसे मैं हर बारी कह रहा हूँ कि ये चीज़ पहले भी यही चीज़ थी आज से 10 साल पहले करीब, ठीक है। तो ये तो सुरक्षा एजेंसी के लिए ये बहुत ही बड़ा इशू है, लेकिन अब देखना है कि वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या काम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमारे देश का माहौल पूरे संसार में पहले आज से 10 साल पहले था, भाई हम लोग नोटिस भेजे जा रहे हैं ब्लैकबेरी को, ना ब्लैकबेरी की सर्विसेज इंडिया में बंद होती थी, ना वो, ना हमारे पास कुछ एक्सेस था। कहीं वही चीज़ अभी ना हो, या तो हम अपने कानून में चेंज करें, इन सब सर्विसेज को अलाउ करें। अगर हम कानून में चेंज नहीं करते हैं तो ये सारी की सारी सर्विसेज बंद होनी चाहिए, दो में से कोई एक काम होना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो व्हाट्सएप अब पूरी तरह से सिक्योर है, लेकिन अब इसी सिक्योर फीचर पर सवाल उठ रहे हैं सरकार और सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, कहीं ये सिक्योर फीचर हमारी सिक्योरिटी पर से ना लगा दे। और सरकार यही मांग कर रही है कि व्हाट्सएप पे कोई भी अगर बातचीत का ब्यौरा है उसे जब भी चाहिए तो व्हाट्सएप को ये प्रोवाइड कराना ही होगा। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच में सवाल अभी भी बना हुआ है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।